वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड मार्च पे आज आपके लिए इंडक्शन कुकटॉप को रिपेयर करने की वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारी जो पहले की इंडक्शन कुकटॉप की वीडियोज़ हैं उन सब के ऊपर एक कमेंट आ रहे हैं व्यूवर्स के, वह यह कह रहे हैं कि जो E0 एरर है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। तो दोस्तों, यह E0 का एरर का आना बहुत ही आम होता है और अधिकतर इंडक्शन कुकटॉप में यह एरर आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में E0 का एरर आ रहा है तो उसको आप बड़ी ही आसानी से किस तरीके से ठीक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने इंडक्शन कुकटॉप को ओपन कर लीजिए। और फ्रेंड, ये जो इंडक्शन कुकर में E0 का एरर आता है, इसके आने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वह कारण बताने वाला हूँ जो 90% केसेज में सेम होता है और जो E0 एरर आता है वह उसी कारण की वजह से आता है। तो अब हम इसके फिल्टर कैपेसिटर, रेक्टिफायर डायोड और IGBT को चेक करेंगे। इन दोनों फिल्टर कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफेराड का है और दूसरा 0.27 माइक्रोफेराड का है। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को 20 माइक्रोफेराड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करेंगे। ये जो 0.27 माइक्रोफेराड का फिल्टर कैपेसिटर है, ये एक तरफ से रीडिंग शो कर रहा है और दूसरी तरफ से भी रीडिंग शो कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह सही हो सकता है। और दूसरे वाला फिल्टर कैपेसिटर भी एक तरफ से रीडिंग दे रहा है और दूसरी तरफ से केवल 1 लिखा हुआ आ रहा है, जो यह दर्शा रहा है कि यह ओपन हो सकता है, लेकिन कुछ भी श्योर नहीं है क्योंकि ये सभी कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर आपको इनको सही तरीके से चेक करना है तो आपको इन सभी कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसके IGBT को चेक करेंगे। इसके लिए आप अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए और हम इसकी तीनों टांगों पर कॉन्टिन्यूटी को मेजर करेंगे। IGBT को चेक करने की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये IGBT चेक करने पर ऐसा लग रहा है कि ये सही है। तो अब हम इसके रेक्टिफायर डायोड को चेक करते हैं और रेक्टिफायर डायोड को चेक करने की वीडियो भी मैं पहले ही बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और वह वीडियो देख लें। इन सभी कंपोनेंट को चेक करने पर हमको ये अंदाज़ा लग गया कि ये सारे कंपोनेंट सही लग रहे हैं, और ये नहीं कह सकता 100% कि ये सभी सही हैं। अगर आप इनको बिल्कुल सही तरीके से चेक करना चाहते हैं तो आपको इनको बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो 4 माइक्रोफेराड का हमारा फिल्टर कैपेसिटर है उसमें एक तरफ से यह सर्किट ओपन बता रहा था, तो हम इसको चेक करते हैं। यह हमारा 4 माइक्रोफेराड का फिल्टर कैपेसिटर है जो चेक करने पर बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाए तो हमको पता चलेगा कि इसकी एक पिन लूज है। उससे क्या हो रहा है कि यह तो सही रीडिंग दे रहा है और काम भी सही करेगा, लेकिन अचानक से इसका कनेक्शन हट जाएगा और यह ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। तो हम इस फिल्टर कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ये हमारा 0.27 माइक्रोफेराड का दूसरा फिल्टर कैपेसिटर है और हम इसको भी एक बार चेक करेंगे। ये 4 माइक्रोफेराड का न्यू फिल्टर कैपेसिटर है जो अब हम अपने इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। जो पहले वाला है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कभी वह ओपन हो रहा है और कभी क्लोज हो रहा है। तो अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में E0 या कोई और एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप इसके फिल्टर कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं और कभी कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।